नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू फोकस ऑन एग्जाम्स, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स, हम ये कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और ये थर्ड पार्ट है उस वीडियो सीरीज में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टिक टू योर बेसिक्स। बेसिक्स के तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं, जितने भी लोगों से बात की है मैंने, तो मेरा ये अनुभव आया कि 90% क्वेश्चंस जो होते हैं कोई भी एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी हो, मेडिकल की हो, यूपीएससी की हो, 90% एग्जाम्स जो होते क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक्स के ऊपर ही आधारित होते हैं। इसलिए कभी भी रेयर जो क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है, बहुत जो डिफिकल्ट जो पोर्शन है उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, जिसे हम रोज जुड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे और ऐसे आंसर्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो आपको 90% मार्क्स मिलने की संभावना बन जाती है। वो कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक है उसको आपको थरो करने की बहुत जरूरत है, नंबर वन। नंबर टू, एग्जामिनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो समझना बहुत ही जरूरी है। हम कितना भी डोंकी वर्क करते बैठे, कितने भी गधे जैसे मेहनत करते बैठे, बहुत पढ़ाई करते बैठे, लेकिन एग्जामिनर्स क्या पूछने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसिंग द पल्स ऑफ द एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर की पल्स हमने ढूंढी नहीं, एग्जामिनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर्स के पास कौन से ऐसे हॉट टॉपिक्स है जो इस बार बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर वो पल्स आपने अगर एग्जामिनर की पकड़ ली तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स। अभी फिलहाल क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन से नए रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम रिसेंट वर्क पे वर्क करें, रिसेंट जो ट्रेंड शुरू है उस पे हम क्वेश्चंस पूछें। इसलिए जो रिसेंट ट्रेंड्स हैपनिंग है, जो पूरे देश में हो रहे हैं, कौन से नए रिसर्च हो रहे हैं, कौन से वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं, कौन से साइंस पे ऊपर डिस्कवरी और इन्वेंशन हो रहे हैं, किसको नोबेल प्राइज मिल रहा है, ये जानना और ये समझना, जिसको हम बोलते हैं रिसेंट नॉलेज, ये जानना और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमने वर्क करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स का, जो स्पेशली जो एंट्रेंस दे रहे हैं उसका ये जानी दुश्मन है। जो लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं वो नंबर अपना आगे बढ़ा सकते नहीं और मेरिट में आ सकते नहीं। सोशल मीडिया इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब विनाश करने के लिए बैठे हैं। और इस पे रोज 24 घंटे में से आधे घंटे के ऊपर हमने उस पे टाइम स्पेंड करना नहीं है। जितना हमें फायदा है उससे ज्यादा, 1000% ज्यादा वेस्टेज, और हमारे जो रिसोर्सेज, हमारे जो ब्रेन है उसको ये सोशल मीडिया डैमेज करता है। इसलिए कोई भी एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स को मैं ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि बिल्कुल सोशल मीडिया यूज करना नहीं चाहिए। बहुत पेरेंट्स की मुझे कॉल आते हैं, लोग मुझे मिलते हैं कि डॉक्टर साहब ये सोशल मीडिया पे 2 घंटे बैठता है, 3 घंटे बैठता है। मैं उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करता हूं कि अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे तो आपका बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता नहीं। रिसेंटली पबजी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा खेल ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी गेम से कोई भी व्यक्ति का फायदा हो सकता नहीं, इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ ब्रेक। कंटिन्यूअसली 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले बच्चों से मैं मिला हूं, और उसी के कंपैरिजन में 8 या 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चों से मैं मिला हूं, तो मैं ये मानता हूं कि यदि आप स्पेस देकर खाली 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फोकस्ड पढ़ाई कर सकते हैं तो दैट इज मोर देन स्टडिंग 18 आवर्स अ डे। 18-18 घंटे पढ़ रहा हूं, नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, इस ये पढ़ने में ये सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। एक्चुअली दिमाग में कितना जाता है और कितना रिटेंशन होता है उस पर सब खेल डिपेंड होता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा बीच बीच में जब भी आपको बोरियत होती है, कंटाला आता है, तो डेफिनेटली आप ब्रेक ले सकते हैं। उसमें आप फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, पेरेंट्स से मिल सकते हैं, न्यूज दे सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेक इज अ मस्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्राइटेरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम इग्नोर करते रहते हैं। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं।
एक्सरसाइज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक है मेंटल और दूसरा है फिजिकल। फिजिकल मतलब दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, व्यायाम करना, योगा करना। आधा से पौना घंटा यदि आप एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें फर्क दिख सकता है। और सेकेंड होता है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज एकदम सिंपल है। यदि आप चेयर पे रिलैक्स होकर बैठे आंख बंद करके और 5 मिनट अगर आप रोज खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये मेंटल एक्सरसाइज आपकी हो रही है, आपके ब्रेन को आप शार्पन कर रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस मतलब अगर आप शांति से बैठते हैं और ये खुद को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, मेरा नंबर 100 आएगा, मैं इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करूंगा। आप खुद को अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो खुद को आप एप्रन में देख रहे हैं, स्टेथोस्कोप में देख रहे हैं, आप पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। यदि आप खाली 5 मिनट भी ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देते हैं तो आप डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जम होगा और अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है जो मैं ये टॉपिक में बताने वाला हूं वो है फन टाइम। बहुत पेरेंट्स से मिलता हूं, बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, इवन 18 18 19 साल के बच्चों से मैं मिलता हूं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, रात को 1 बजे तक पढ़ाई करता हूं और दिन भर बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहता हूं, किसी से बात नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता, पेरेंट्स मुझे डांटते हैं, टीवी देखना बंद है, पेपर पढ़ना बंद है और खाली मुझे 2 साल पढ़ना ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फन टाइम उतना ही जरूरी है। फन टाइम होता है जब आप आपके ब्रेन को रेस्ट दे सके। वो रेस्ट पीरियड में अपना ब्रेन एनर्जी कंजर्व करता है और बाद में जो आप पढ़ाई करने वाले हैं वो अच्छे से आप ग्रास्प कर सकते हैं। फन टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल पे खेलना हो, चाहे वो पेरेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप शेयर करना हो, चाहे वो घूमने जाना हो, हॉटलिंग करना हो, मूवी जाना हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो, कोई भी फन टाइम यदि आप टाइम में डिसाइड करते हैं टाइम टेबल में कि मैं इतने इतना आधा घंटा 1 घंटा फन टाइम के लिए मैं स्पेयर करता हूं, तो आप डेफिनेटली मेरा आपको एडवाइस है कि आपने फन टाइम देना ही चाहिए। ये फन टाइम के साथ आप आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ये टिप्स थे जो मैंने एग्जाम को क्रैक कैसे करना है उसके बारे में मैंने तैयार किए थे, मैंने आपको बताया। ये वीडियो को आप शेयर करो, ये वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। नमस्ते।